वेलकम टू आवर चैनल हाउजर इज कुकिंग। आज हम बनाएंगे। रेस्टोरेंट्स के खाने से ज़्यादा मुझे घर का खाना पसंद है। जब रेस्टोरेंट्स जैसी डिशेस हम घर पर बना सकते हैं तो फिर सोचना क्यों। चलो बनाते हैं कुछ डिफरेंट रेसिपी जो जापान से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन हम इसे अपने अंदाज में बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए आज की रेसिपी के लिए, जिसका नाम है वेज पनीर सिज़लर विथ सोया सॉस। ये 5-स्टेप प्रोसेस है। तो फर्स्टली हम बनाएंगे सीजनिंग राइस। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून ग्रीन चिली। इसको हम 1 मिनट सौते करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड राइस। इनको हमें 80% बॉयल करना है और उसे ठंडा करके यूज़ करना है। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/4 कप कोरिएंडर। अगर सॉल्ट ज़रूरत हो तो आप टेस्ट कर ऐड करेंगे। अब इनको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और फिर टॉस करेंगे। ये हमारे सीजनिंग राइस रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्टली हम बनाएंगे स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। उसके लिए हम लेंगे एक पैन, ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एंड 1 टीस्पून फाइनली चॉप ग्रीन चिली, 1 टीस्पून फाइनली चॉप गार्लिक, 1 टीस्पून फाइनली चॉप जिंजर। इनको हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब ऐड करेंगे 1/4 कप कैरेट, 1/4 कप फ्रेंच बीन्स, 1/4 कप बेबी कॉर्न, जिनको मैंने 2 मिनट के लिए पहले ही उबाल कर रख दिया था, जिन्हें हम पैरा बॉइल्ड भी कहते हैं। इनको हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब ऐड करेंगे 1/4 कप येलो जुकीनी, 1/4 कप ग्रीन जुकीनी, ग्रीन कैप्सिकम 1/4 कप, रेड कैप्सिकम 1/4 कप, येलो कैप्सिकम 1/4 कप, 1/4 कप अनियन। सारी सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंगली जो पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। अब सीजनिंग ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हमें टेस्ट करके ऐड करना है क्योंकि सॉस में भी सॉल्ट होता है। 1/4 कप कोरिएंडर लीव्स। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से टॉस करेंगे। ये हमारी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स रेडी हैं। थर्डली हम बनाएंगे बर्न गार्लिक पनीर। इसके लिए हम लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून फाइनली चॉप ग्रीन चिल्ली, 1 टीस्पून फाइनली चॉप गार्लिक, 1 टीस्पून फाइनली चॉप अदरक। इनको ब्राउन होने तक सौते करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली फ्लेक्स, 400 ग्राम्स पनीर, जिसको हमने रेक्टेंगल शेप में एक जैसा कट किया है। पनीर को चारों तरफ से ब्राउन होने तक सौते करेंगे। पनीर चारों तरफ से ब्राउन हो चुका है और अच्छे से सौते भी हो गया है। तो क्विकली हमारा बर्न गार्लिक पनीर रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम बनाएंगे सॉस। इसके लिए हम लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 1-2 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून फाइनली चॉप गार्लिक, 1 टीस्पून फाइनली चॉप जिंजर, 1 टीस्पून फाइनली चॉप ग्रीन चिल्ली, 1/2 कप कैरेट, 1/2 कप फ्रेंच बीन्स, 1/2 कप ग्रीन कैप्सिकम। इनको अच्छे से टॉस करेंगे। 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून शेजवान सॉस, 2 टीस्पून टमेटो केचप, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे 2 कप पानी। अब हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 कप वाटर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्लरी को हम सॉस में ऐड करेंगे। उबाल आ गया है, सॉस गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप स्प्रिंग अनियन, कोरिएंडर लीव्स। ये हमारी सॉस रेडी है। लास्टली हम बनाएंगे पनीर की टिक्की। टिक्की के लिए हम लेंगे 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 2 पोटैटोज जिसे हमने उबाल कर ग्रेट कर लिया है, 1 टीस्पून ग्रीन चिली, 1 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब इनको अच्छे से नीड करके इसे फ्लैट राउंड शेप देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। अब टिक्की को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करेंगे। ये हमारी टिक्की रेडी हो गई है। नाउ लेट्स असेंबल सिज़लर विथ मी। प्लेट हमारी बहुत ही गर्म है, उस पर हम कैबेज के पत्ते रखेंगे। अब बोल में राइस को डालकर उसे कैबेज के पत्ते पर पलट देंगे। स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, बर्न गार्लिक पनीर, पनीर टिक्की। लास्टली हम ऐड करेंगे गर्मा गर्म सॉस और ट्रे पर हल्का सा बटर। क्या सिज़ल हो रहा है ना, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा सिज़लर एट होम। इट्स लुकिंग सो अमेजिंग।
अब जिनको सिज़लर पसंद नहीं है वो वन पॉट राइस की तरह भी इसे बना सकते हैं। रेसिपी सेम है, सिर्फ हमें एक बोल में प्लेटिंग करनी है और उसमें ऊपर से गर्मा गर्म सॉस ऐड करना है। देखिए इसी तरह से हम सर्व करेंगे।